देखे तो रे संसार की हालत, का हो गई भगवान, इंसान हो गोरे शैतान, इंसान हो गोरे शैतान। भैया राम राम। हमें बुंदेली चुगली से नीचे जो देश दुनिया में लोकप्रिय होते नीचे चैनल बुंदेली चुगली देखे तो हमारे खबर ही वेरा की जाए भैया कि इंसान शैतान होगा। यूपी के सैफई, जहाँ पे सैफई महोत्सव नहीं हो तो मुलायम सिंह को गाँव है ओत नचवाते हुए। अब वो यूपी बदलवा वाला कि बेड़ी नचवावे लगे लाने सैफई की पहचान नहीं रह गई। अब यूपी की पहचान हो गई कि अयोध्या में रामलीला होने लगी, अयोध्या में महोत्सव दीपोत्सव मनाओ जान लगो। सो ऐसे सैफई यूपी के सैफई में उदय की पुलिस ने तस्करन के पकड़ो। तस्कर काय के कछुआ, भगवान विष्णु के रूप में कछुआ के पूजे जात मानो जात कच्छा अवतार भी उन्होंने लाओ तो ये दुनिया में सृष्टि में आके एक वही कछुआ की बड़ी दुर्गति हो रही। और जो कछुआ ऐसा हो तो कि भैया आदमी तलाला में छोड़ देते तो सफाई बनी रहती, प्रकृति से उनको बड़ा समन्वय है। तो कछुआ जरा अपने घर में कुआ टंकी तालाब में डाल देते हो कि साफ बनी रहे, कैसे वो पूरी कीड़ा मकोड़ा गंदगी खाओ करत। लेकिन अब उनको मांस और की हड्डी इतना उद्योग व्यापार हो कि अब लाखों की संख्या में हिंदुस्तान से कछुआ तस्करी कर जा रहे, मलेशिया, थाईलैंड, चीन, ऐसी सब जगह अलग अलग जा रहे। कलकत्ता, कलकत्ता से रास्ता में जो वो बंदरगाह से चलो जा पानी जहाज पे और जो अलग अलग देशों में तस्करी होते। सो एक जब पूरी गैंग पकड़ी देख ले रहे खबर। एक कछुआ दक्षिण भारत क्षेत्र में पाया जाता, इनकी नदियों में पाया जाता, उत्तर प्रदेश के इटावा के आसपास चंबल के करीब खेतन में भी ये कछुआ पाए जाते हैं। चंबल के यमुना, सिंधु, कुआरी और पहुँच जैसी अहम नदियाँ हैं जो नेता की जो छोटी नदियाँ इन सब में तालाब में कछुआ की भरमार है और इस इतने पर तस्कर सक्रिय रात है। एसटीएफ ने इतने पर कछुआ जो कछुआ बरामद करे इटावा के बसेहर रेंज की रेंज से वन क्षेत्र है जो इतने से तस्करी करके लाए गए थे जे और इन्हें पश्चिम बंगाल भेजे जाने। तो पुलिस ने वन विभाग की टीम में संयुक्त कार्रवाई करके इन तस्करों को पकड़ लो। बताओ जा रहा डीएफओ जो एसपी मसीह हैं उन्होंने बताया कछुआ की उम्र 500 साल होते हैं, ई को मांस और हड्डियाँ उपयोग में आते हैं, आयु वर्धक और सेक्स वर्धक दवाएँ बनाई जाती हैं, इसे इनकी बहुत आयत में खपत है और इसे पैसे ही मिलते, ई की लालच में ये तस्करी करते हैं जितने ये बदमाश हैं। ये कछुए हमारा सैफई जो थाना क्षेत्र है उसके बॉर्डर से लगा हुआ दुमीला नामक गांव है, तो वहाँ पर पकड़े गए हैं। और ये जो अभियुक्त पकड़े गए हैं उन्होंने बताया है कि मैनपुरी क्षेत्र में जो कार्यालय उसके ऑल अराउंड जो भी एरियाज हैं तो वहाँ के तालाबों से ये धीरे धीरे करके पकड़ते रहते हैं और इकट्ठा करके फिर अवैध रूप से निकालते हैं उनको। तो वो पुलिस और वन विभाग हमारा संयुक्त रूप से इसमें छापा मारा और उसको पकड़ा गया। ये इटावा क्षेत्र में जो कोकपुरा गांव है, कंजर कम्युनिटी वहाँ रहती है, वही लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। कुछ करहल के और मैनपुरी डिस्ट्रिक्ट के लोग हैं, वही लोग इन्वॉल्व होते हैं। और वो हमेशा से यही चलता आया है, इटावा कई सालों से कछुओं का व्यापार, अवैध व्यापार का एक हब बना हुआ है। और पिछली साल काफ़ी सारे सीज़र हुए थे और इस बार भी विंटर आते ही ये व्यापार बढ़ता है और यहाँ से कलकत्ता, पश्चिम बंगाल की ओर ये कछुए ले जाते हैं लोग। और उसी रैकेट के कुछ लोग जब हाथ चढ़ते हैं तो ये कछुए आते हैं। कल रात्रि में थाना अध्यक्ष सैफई को एक बड़ी सटीक सूचना मिली थी जिस पर वो चेकिंग कर रहे थे, जो एक कच्चा रास्ता है करहल की तरफ, तो उसमें रात में एक ट्रक पकड़ा गया तथा एक ओमनी गाड़ी पकड़ी गई थी। उस ट्रक में जब छानबीन की गई तो करीब 2579 कछुए जिंदे और 2 मरे हुए कछुए मिले, जो विभिन्न प्रजातियों के थे और जिनका
स्मगलिंग करते थे, उसके साथ 5 लोग भी गिरफ्तार किए गए हैं। इसके साथ साथ उसमें 30 किलो कैनोपी जिसे कहते हैं, जो कछुए मर जाते हैं उसके बाद उसकी चिप्स वगैरह बनाई जाती है। जब इसमें वन अधिकारियों को बाद में सूचित किया गया और उनसे पूरी इसकी तहकीकात की गई तो इस कछुओं की कीमत लगभग 70 लाख के करीब और जो कैनोपी है उसकी कीमत इतनी ज़्यादा है, करीब उन लोगों ने बताया कि उस 30 किलो की कीमत लगभग 20 लाख रुपए है। अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में हो सकता है इन सब की कीमत 1 करोड़ से ऊपर हो, जो यहाँ पे इन लोगों ने बताया है। तो ये बहुत ही अच्छा काम सैफई पुलिस द्वारा किया गया है और जो लोग कछुओं की तस्करी में लगे हुए थे उनका भंडाफोड़ किया है तथा इसमें इन लोगों के खिलाफ अभियोग पंजीकृत करके जेल भेजा जा रहा है तथा इसके साथ साथ इनके द्वारा जो लीड मिली है उसके आधार पर भी हमारी पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। हो सकता है आगे चल के कुछ और बड़े खुलासे इसमें हो। जय भैया पुलिस ने इतना मारो सास के इनके पौन फोड़ा का लंगड़े हाथ फेर रहे जाए दशा हो साल इनकी। एक खबर अच्छी यूपी से आ रही, मथुरा में एक ब्याह भाव है और दूल्हा राजा भैया दुल्हनिया के लेवे हेलीकॉप्टर से आए। छोटी बात है लेकिन गांव को कौन दूल्हा का दुल्हनिया के लेके कछुआ हेलीकॉप्टर पे आए तो एक बड़ी बात होते हैं। दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, लड़का कह रहा हूँ बाप की इच्छा थी कि हम हेलीकॉप्टर पे अपनी घर वाली के ब्याह के ले जाए। देख लो खबर। जी आपका क्या नाम है? मेरा नाम अरुण चौधरी। जी कहाँ के आप निवासी हैं? यही मथुरा के और अपना गांव ब्रोना। आपकी शादी हुई है अभी? हम्म। और आपकी पत्नी का नाम? पत्नी का नाम रक्षा। जी तो आज आप हेलीकॉप्टर से जा रहे हैं पत्नी को लेकर, कैसा आपको लग रहा है? ये मेरा पापा जी का सपना था, आज पापा जी का सपना पूरा होगा, तो काफी अच्छा लग रहा है। क्या कहेंगे, एक संदेश देंगे लोगों को आज हेलीकॉप्टर से अपनी दुल्हन को आप लेकर जा रहे हैं, कैसे दुल्हे दुल्हनिया ले जाएंगे और हेलीकॉप्टर से लेकर जा रहे हैं, अच्छा लग जाएगा अच्छा लगेगा। भैया सब लोग इतने अगर भाग्यशाली हुआ तो बढ़िया, हर आदमी हेलीकॉप्टर घुमा बढ़िया। देखो शादी आदि अब दिखावा की चीज़ हो गई, 7 फेरे अब जितनी आलीशान शादियाँ होने लगी उतने जल्दी रिश्ता टूटने लगे, बड़ी बेमोल शादियाँ होनी। खैर लेके चलो मुंदेरी चूरी तरफ से इस शादी के लाने भैया ने शुभकामना दे रहे कि इनको जीवन भरपूर रहा है, क्या घर वाली के हेलीकॉप्टर से बैठा के लेगा क्योंकि तो वैसे मूड पर चढ़ो रहा है सारे तुम्हारे। अब ले रहे हम बेटा भैया, जयराम जी।